Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English Course, the Spoken English Book, I Know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel so that you continue with your Spoken English studies with us. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो अरविंद केजरीवाल थे वो बहुत ही गुस्सा थे. सो आज हम पहले वही न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ पे भी ऑब्वियसली आएंगे. लेकिन वो न्यूज़ देखते हैं उसका रीज़न है कि हमारा सीरीज और इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है. तो आइए चलिए रीड करते हैं. ये देखिए हेडिंग पढ़ते हैं पहले. 9 hours grilling. CBI asks केजरीवाल 56 questions. ग्रिल का तो मतलब हम लोग सब जानते हैं, माइक्रोवेव में भी हम ग्रिल करते हैं, सैंडविच को ग्रिल करते हैं. जैसे कोई शॉप पे भी जाते हैं, छोटी शॉप्स पे वो ग्रिल वाली जो मशीन सी होती है, जब हम बोलते हैं भैया सैंडविच दे दो, तो वो सैंडविच को उसमें मशीन में रख के वो थोड़ा कुरकुरा, आई थिंक वो गर्म भी हो जाता है और थोड़ा कुरकुरा और अच्छा हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रिल. सो 9 hours ग्रिलिंग मतलब एक तरह से ग्रिल कर दिया उसको, उसको निचोड़ दिया एक तरह से, तो वो भी मीनिंग होता है ग्रिल का. कोई 9 hours ग्रिलिंग मतलब कि उसको 9 घंटे उन्होंने ग्रिल किया, ठीक है, परेशान किया एक तरह से. उस सेंस में भी हम ग्रिलिंग वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, CBI asks केजरीवाल 56 questions, मतलब 9 घंटे में CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ने, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि CBI एक जनरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. ठीक है, asks केजरीवाल 56 questions. सो हेडिंग में आपने देखा होगा ये प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है. हालांकि ये चीज़ पास्ट टेंस की है, लेकिन हेडिंग में प्रेजेंट टेंस यूजली यूज़ होता है कि CBI केजरीवाल से 56 questions पूछती है. ठीक है, तो केस फेक, प्लॉय टू डिफेम मी, क्लेम CM. केस फेक, दिस केस इज फेक, फेक मतलब झूठा. ठीक है, प्लॉय, प्लॉय का मतलब हम वैसे देख लेते हैं, लेकिन प्लॉय का बेसिकली मतलब होता है प्लॉट करना. ठीक है, प्लॉटिंग मतलब बनाना एक तरह से, साजिश कह सकते हैं. साजिश का मतलब वैसे कॉन्स्पिरेसी होता है. ठीक है, टू डीफेम मी. ठीक है, फेम क्या होता है, फेम से वर्ड बना फेमस, फेमस मतलब मशहूर. डीफेम जहाँ पे यूज हो जाता है, डीफेम मतलब कि इमेज खराब करना एक तरह से. ठीक है, क्लेम्स केजरीवाल. ठीक है, केजरीवाल बोलते हैं, केजरीवाल ये दावा करते हैं एक तरह से. आप लीडर्स स्टेज प्रोटेस्ट. स्टेज मतलब लीड करना एक तरह से. ठीक है, स्टेज क्या होती है, स्टेज होती है जहाँ पे मंच. ठीक है, मंच पे कोई खड़े होके कोई परफॉर्मेंस देता है, कुछ बोलता है, ठीक है, उसे स्टेज बोलते हैं. ठीक है, आप लीडर्स स्टेज प्रोटेस्ट. आप लीडर्स ने, आपके जो लीडर्स हैं, आप जो आम आदमी पार्टी है उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का. प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना. ठीक है, आगे देखिए. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टुडे अपीयर्ड बिफोर द CBI फॉर क्वेश्चनिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ हिज स्टेटमेंट एज अ विटनेस इन द एलिज्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस, इवन एज आम आदमी पार्टी लीडर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट आउटसाइड द प्रोप एजेंसीज हेडक्वार्टर्स हियर एंड एल्सवेयर इन द नेशनल कैपिटल. ठीक है, तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टुडे अपीयर्ड बिफोर CBI. अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं, वो CBI के सामने पेश हुए, अपीयर हुए, मतलब आए सामने आए. ठीक है, एज अ विटनेस के रूप में. अभी CBI ने ये नहीं बोला है कि आप आरोपी हो, आप एक्यूज्ड हो, उन्होंने बोला एज अ विटनेस के रूप में. मतलब विटनेस होता है ना, जैसे मर्डर मिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मर्डर मिस्ट्री में गवाह, ठीक है, किसने देखा क्या हुआ था या कुछ भी हुआ था, तो उसे विटनेस के रूप में पेश होना था केजरीवाल जी को, जो वो पेश हुए CBI के सामने. ठीक है, इन द एलिज्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम. एलिज्ड मतलब अभी पूछताछ हो रही है, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि ये स्कैम आप पार्टी ने किया ही है, तो इसलिए एलिज्ड वर्ड का बार बार यूज हुआ है यहाँ पे. ठीक है, लीडर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट इवन एज आम आदमी पार्टी लीडर्स स्टेज अ प्रोटेस्ट. उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने विरोध किया. प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना होता है. ठीक है, आउटसाइड द प्रोप एजेंसीज. प्रोप मतलब
जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हेडक्वार्टर्स हियर, ठीक है, एजेंसी के जो हेडक्वार्टर्स हैं सीबीआई एजेंसीज यहाँ से रेफर हो रही है सीबीआई से, जो उसके हेडक्वार्टर्स से उन्होंने उसके बाहर प्रोटेस्ट किया आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सीबीआई क्वेश्चन्ड द आप कन्वेनर फॉर नियरली 9 आवर्स, कन्वेनर का मतलब हम अभी देखते हैं, ठीक है, फॉर नियरली 9 आवर्स एज ही अराइव्ड एट द एजेंसीज ऑफिस अराउंड 11 AM एंड एक्सिटेड आफ्टर 8:30 PM। सो सीबीआई ने क्वेश्चन किया आप कन्वेनर को, ठीक है, आप कन्वेनर का मीनिंग हम अभी देखते हैं, फॉर नियरली 9 आवर्स, 9 घंटे तक पूछताछ चली, ठीक है, एज ही अराइव्ड एट द एजेंसीज ऑफिस, जैसे कि वो पहुंचे एजेंसी के ऑफिस में अराउंड 11 AM, सुबह, AM मतलब सुबह के 11 बजे, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसे टाइम देखना नहीं आता, ठीक है, 11 AM एंड एग्जिटेड आफ्टर 8:30 PM, रात को 8:30, 8:30 बजे उन्होंने एग्जिट किया, ठीक है, एग्जिट मतलब निकले, ठीक है। वैसे भी इस सेंस में आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो रहा है हमें न्यूज़पेपर पढ़ने से, हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स पता चल रहे हैं, हमें नॉलेज गेन हो रही है, ठीक है, तो यही फ़ायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। आफ्टर 8:30 PM ही वॉज अलाउड एंड हाफ एन आवर लंच ब्रेक, ओहो 9 घंटे में सिर्फ भाई साहब को आधे घंटे की ब्रेक दी, ठीक है। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट हिज रेजिडेंस आफ्टर द क्वेश्चनिंग, केजरीवाल सेड द सीबीआई आस्क्ड हिम 56 क्वेश्चंस। तो एड्रेसिंग मतलब एड्रेस होता है ना, जैसे हर एक का एड्रेस होता है, जो हमारा हाउस है उसका एड्रेस होता है, तो एड्रेस मतलब रूबरू होना, एक तरह से एड्रेसिंग उस सेंस में भी यूज होता है। एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस से रूबरू होते हुए एट हिज रेजिडेंस आफ्टर द क्वेश्चनिंग, आफ्टर द क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के बाद, एट हिज रेजिडेंस उसके घर पे, उनके घर पे, केजरीवाल सैड द सी बी आई आस्क्ड हिम 56 क्वेश्चंस। तो केजरीवाल जी ने बताया कि सी बी आई ने उनसे 56 क्वेश्चंस पूछे, आस्क्ड वेदर ही हैड बीन कॉल्ड अगेन द सी एम सेड, तो आस्क्ड वेदर मतलब मीडिया ने उनसे पूछा क्या उन्हें दोबारा भी बुलाया गया है, तो आगे क्या उन्होंने बोला है, सी एम सेड दे डिड नॉट गिव एनी सच इंडिकेशन एज आई आंसर्ड ऑल देयर क्वेश्चंस, ठीक है, दे डिड नॉट गिव एनी सच इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब हिंट देना, ठीक है, इशारा करना, हिंट देना, उसको इंडिकेशन बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया क्योंकि मैंने सारे सवालों के जवाब दिए थे, तो ऐसा लग रहा है कोई एग्जाम दे के आया है और वो बता रहे हैं मीडिया को दैट आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ये चीज़, ये पढ़ के मुझे उस चीज़ की याद आ गई जब हम बचपन में आते थे, यू नो, स्कूल से एग्ज़ाम दे के आते थे और क्वेश्चन पेपर फिर चेक करते थे, ठीक है, फिर मम्मी को बताते थे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो ऐसा लग रहा है पढ़ के। सो केजरीवाल रीआइट्रेटेड दैट द एंटायर केस वॉज फेक, रीआइट्रेटेड, रीआइट्रेशन का मतलब होता है दोबारा कोई चीज़ होती है ना, आइट्रेशन मतलब रीआइट्रेशन मतलब दोबारा कोई चीज़, सो केजरीवाल रीआइट्रेटेड, दोबारा उन्होंने बोला, दोबारा उन्होंने कहा कि एंटायर केस, ये सारा जो केस है वॉज फेक, सारा जो केस है वो फर्जी है, एंड दैट ही एंड हिज पार्टी लीडरशिप वुड प्रेफर डेथ देन इंडल्ज इन करप्शन। सो उन्होंने बोला है ही एंड हिज पार्टी लीडरशिप, उनकी जो पार्टी है, उनकी जो लीडरशिप है, यू नो ही इज द लीडर ऑफ हिज पार्टी, ठीक है, दे वुड प्रेफर डेथ, वो मरना पसंद करेंगे, ठीक है, दे वुड प्रेफर मतलब आई प्रेफर दिस, मैं ये पसंद करती हूँ, देन इंडल्ज, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होना, ठीक है, उलझना, इन्वॉल्व होना, ठीक है, इन करप्शन, बेईमानी करना एक तरह से, ठीक है, डिसऑनेस्ट होना, ठीक है। आगे है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 10, तो देखते हैं थोड़ा सा हम पेज 10 पे जाते हैं आप, तो पेज 10 ये है 357 और ये है हमारा 10 पेज, तो न्यूज़पेपर को इधर उधर करते हुए उसके पेजेस निकल आते हैं, तो हम एक्स्ट्रा पेजेस को कर देंगे साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा 9 आवर्स ग्रिलिंग सीबीआई आस्क केजरीवाल,
ठीक है, तो ये रहा हमारा, हमने हेडिंग से पहचान लिया कि हमारी न्यूज़ कहाँ पे है। ठीक है, गन्स एट बीजेपी, ही एलर्ज्ड द सेफ्रन पार्टी वॉज ट्राइंग टू डीफेम एपी एज इट वॉज फाइंडिंग इट्स डिफिकल्ट टू स्वेलो द गुड वर्क्स डन इन दिल्ली एंड पंजाब। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे एक लाइन थी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके बेस पे हम पेज 9 पे पहुंचे। तो वो क्या बोल रहा था, अगेन ट्रेनिंग। ठीक है, करप्शन तक हमने पढ़ा था, अगेन ट्रेनिंग। तो देखिए ये लाइन बेसिकली मैं कंटिन्यू करनी थी, तो मैं देख रही थी क्या थी। तो अगेन ट्रेनिंग गन्स एट बीजेपी, ही एलर्ज्ड दैट द सेफ्रन पार्टी वाज ट्राइंग टू डीफेम आप एज इट वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्वॉलो द गुड वर्क्स डन इन दिल्ली एंड पंजाब। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि जो सेफ्रन पार्टी है, सेफ्रन पार्टी मतलब भगवे रंग की पार्टी, ठीक है, सेफ्रन का मतलब भगवा कलर होता है, ठीक है, सेफ्रन हम जानते हैं, सेफ्रन का कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश होता है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जो सेफ्रन पार्टी है, मतलब ही इज़ रेफरिंग टू बीजेपी, दैट ही दे वर ट्राइंग टू डीफेम आप, वो डीफेम आप को एक तरह से यू नो दाग लगा रहे हैं उसके ऊपर, एक तरह से उसे डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, एज इट वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, क्योंकि उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्वॉलो। स्वॉलो क्या होता है, निगलना, ठीक है, स्वॉलो निगलना होता है। तो वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो भी अच्छे काम किए हैं दिल्ली एंड पंजाब में आपने, तो वो लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सीनियर सीबीआई ऑफिशियल्स रिमेंड प्रेजेंट इन द ऑफिस ऑन संडे। संडे को यूजुअली हमें पता है कि सब चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन सीनियर सीबीआई ऑफिशियल्स रिमेन प्रेजेंट इन द ऑफिस ऑन संडे बिकॉज केजरीवाल वॉज टू बी क्वेश्चन्ड, एज दिस इज अ नॉर्म वेन एवर ए वीआईपी इज क्वेश्चन्ड, एज इज अ नॉर्म, नॉर्म मतलब रूल। ठीक है, क्योंकि एक रूल है कि जब भी वीआईपी, कोई भी वीआईपी आता है और उसकी क्वेश्चनिंग होनी होती है, बहुत सारे वीआईपीज की क्वेश्चन होती है, यू नो, जब हम सोचते हैं कि वीआईपीज भी क्वेश्चन होते हैं, बट ये सच है क्योंकि हम देख रहे हैं, यू नो, केजरीवाल बीइंग द सीएम ऑफ दिल्ली, सो ही इज़ आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ वीआईपी। ठीक है, पहले एक मुझे नाम याद आ रहा है, शाहरुख खान सन, सो ही इज़ आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ काइंड ऑफ वीआईपी बिकॉज शाहरुख इज़ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार ऑफ द कंट्री। ठीक है, द एजेंसी हैड इशूड समन्स टू केजरीवाल ऑन फ्राइडे seeking his response to queries on the inputs generated during the probe into the case in which Chief Minister former in the agency had issued summons to Kejriwal on Friday, seeking his response to queries on the inputs generated during the probe into the case in which the Chief Minister's former deputy मनीष सिसोदिया वॉज अरेस्टेड ऑन 26 February। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें कि एजेंसी ने पहले ही फ्राइडे को ही यू नो समन्स इशू कर दिए थे केजरीवाल जी को, क्योंकि वो कुछ क्वेरीज के आंसर्स जानना चाहते थे, सीकिंग हिज रिस्पॉन्स टू क्वेरीज। ठीक है, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना एक तरह से, ठीक है, ढूंढना। ठीक है, हिज रिस्पॉन्स टू क्वेरीज ऑन द इनपुट्स जनरेटेड, क्योंकि जो भी उन्होंने इनपुट्स गैदर किए थे मनीष सिसोदिया के क्वेश्चनिंग से, ठीक है, तो वो इनपुट्स में जो भी क्वेरीज थी, तो वो उनके आंसर्स जानना चाहते थे केजरीवाल से, इसलिए उन्हें सम्मन्स उन्होंने फ्राइडे को ही दे दिए थे और वो ये चीज़ जानना चाहते थे। ठीक है, तो हमने आइडिया पता चल गया कि क्या हुआ, 9 hours ड्रिलिंग हुई, 56 क्वेश्चन हुए। ठीक है, और मीडिया को उन्होंने बाद में एड्रेस कहा कि ये सिर्फ एक प्लॉट है, ये सिर्फ एक फेक केस है, तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया। ठीक है, अब हम थोड़े से वर्ड मीनिंग्स जो हमने मार्क किए थे, जो कि डिफिकल्ट थे, वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि आइडिया लग गया, हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या देखा था, प्लॉय का मीनिंग हम थोड़ा देखने वाले थे, तो एक डिक्शनरी में ओपन करती हूँ, ये रही मेरी डिक्शनरी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी डिक्शनरी ही यूज़ कर रहे हैं, यू नो, टू फाइंडिंग आउट द वर्ड मीनिंग्स. डिक्शनरी यूज़ करना बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. बहुत सारे वर्ड्स हमें दिखते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है. यहाँ पे डिक्शनरी खोल के देखिए, जैसे आप जब खोलेंगे, आप वर्ड ढूंढेंगे तो बहुत सारे मीनिंग्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे. सो ये देख सकते हैं आप, लेट मी चेक माई कैमरा. या सो प्लॉ है यहाँ पे, तो प्लॉट नहीं, प्लॉट हमने प्लॉय देखना है, पी एल ओ, तो टी के बाद पी एल ओ और उसके बाद आता है हमारा ओ के बाद वाई. ठीक है, देखिए हमें यहाँ दिख रहा है प्लॉय. डॉज और मैन्यूवर टू गेन एन एडवांटेज. डॉज आ गया तो हमें इसका मीनिंग पता चल गया. ये प्लॉय है वो केजरीवाल जी बोल रहे हैं. प्लॉय मतलब डॉज किया हुआ है. डॉज मतलब मुद्दे से, जो मेन मुद्दा है उससे हटाना. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ डॉज. और वही मीनिंग है बेसिकली प्लॉय का, टू गेन एडवांटेज, फायदा उठाना किसी चीज़ का. यू नो, जैसे आपने यूजुअली घरों में भी होता है बहन भाई के बीच में, ठीक है, अगर सपोज भाई से कोई गलती हो जाती है और बहन जो होती है वो कंप्लेन करती है मम्मी को या पापा को, तो भाई क्या करता है, यू नो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे, कि जो भाई है आपका क्या करता है कि वो क्वेश्चन को और जो सिचुएशन को डॉज कर देता है, मतलब मुद्दे से भटका देता है, और डांट जो होती है वो बहन को ही पड़ जाती है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है घर में. और यही केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है महंगाई है, ये है वो है, और ये चीज़ वो लोग ये चीज़ से भी डॉज करना चाहते हैं, मतलब मुद्दे से भटकाना चाहते हैं लोगों को, कि जो आप अच्छा काम कर रही है, ऐसा केजरीवाल जी कह रहे हैं. ठीक है, और एक और मीनिंग हमने देखना था जो कि था कन्वेनर. ठीक है, आपको दिख रहा है कैमरे में. सो कन्वेनर है. सो कन्वेनर का मीनिंग भी हम देखते हैं. ये बोला गया, ये बोल रहे हैं कि आप कन्वेनर. ये देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स आ चुके हैं, तो हम देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आई थिंक देख पा रहे हैं, चैलेंज वर्ड है, तो हमने देखना है कन्वेनर. तो सी आ गया हमारा कमिश्नर. अब एम के बाद आता है एन. यू नो, हमें सीरियल में वर्ड्स को देखना होता है. जैसे सी के बाद कन्वेनर है तो स्पेलिंग पता होनी चाहिए पहले. तो सी के बाद देखना है ओ आएगा. ओ हमें मिल गया, एम आ गया. अब हमें पता है कि कन एन जो है वो एम के बाद आता है, तो कन्वेनर बाद में आएगा. आई थिंक मैं आगे चली गई ना. कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे, कन्वी टी टी वाली लाइन आ गई. ये रहा कन्वेनर. लेट मी ब्रिंग इट अंडर द कैमरा. या सो ये देखो, समवन हु कन्वेंस और चेयर्स द मीटिंग. ठीक है, आप कन्वेनर का मतलब हु चेयर्स अ मीटिंग. चेयर्स अ मीटिंग, तो यूजुअली चेयर्स अ मीटिंग का मतलब होता है जो मीटिंग को ड्राइव करता है एक तरह से. ठीक है, मीटिंग ड्राइव करने वाला, मीटिंग को चेयर करने वाला, हु इज अ मेन पर्सन ऑफ. तो इस तरीके से भी वर्ड्स यूज होता है जो कि हमें समझना है. ठीक है, कन्वेनर का मतलब होता है वन हु कन्वेंस और चेयर्स अ मीटिंग. कन्वेन क्या होता है, टू असेंबल और समन टू असेंबल. ठीक है, वन हु समन्स टू असेंबल. ठीक है, जो बोलता है कि आइए असेंबल हो जाइए, बेसिकली द लीड एक तरह से बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, तो ये हम डिक्शनरी रखते हैं साइड में. देखिए, सो प्लॉय हमने देख लिया, कन्वेनर हमने देख लिया. आप कन्वेनर मीन्स आप लीड, आप लीड एक तरह से. ठीक है, एक वर्ड हम देखना है रिहाइड्रेटेड. वैसे मैंने आपको बता दिया था केजरीवाल रिहाइड्रेटेड. रिहाइड्रेटेड मतलब उसने दोबारा बताया. ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है. लेट मी चेक दिस वर्ड रिहाइड्रेशन. आइट्रेशन ही मैं देख लेती हूँ. ठीक है, आइट्रेशन GHI IT या IT वाला मुझे लास्ट में ही चीज़ें दिख रही हैं.
ये देखो, आई थिंक माई गेस वॉज राइट. गेस नहीं था इसके लिए, मुझे पता था, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म. आई ट्रेड मतलब टू रिपीट, टू से और डू अगेन और टू रिपीट. ठीक है, रिपीट करना. ठीक है, रीआइट्रेशन मतलब दोबारा रिपीट करना. ठीक है, तो और पता क्या होता है, जैसे रीडिंग करते करते आप, जैसे आप रीड करते हैं तो आपको एक हैबिट हो जाती है. कई बार क्या होता है कि कई वर्ड हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग आपको ना भी पता हो, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते ना वो जो लाइन होती है, लाइन ही अंडरस्टैंडेबल होती है कि वो मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है. तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ रीडिंग. तो देखिए, पहले हम एक काम करते हैं, इसी के आगे सीरीज़ में थोड़ा सा पैराग्राफ मुझे दूसरे न्यूज़पेपर में दिखा था, क्योंकि दो दिन मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ, फिर हम थोड़ी सी दूसरी न्यूज़ की तरफ भी पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए अगले न्यूज़पेपर में मुझे थोड़ा सा इसका पैराग्राफ दिखा था, जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो सीरियल में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो मिस हो, हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट मी चेक वेदर इट इज़ कमिंग इन द सेकेंड कैमरा एंड यू पीपल आर एबल टू सी. चलो देखते हैं. कंट्री नीड्स एजुकेटेड किंग. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल है, इज़ एन IIT पास आउट. तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि जो दिल्ली है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, उनके जो CM है, ही इज़ हाईली एजुकेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे हैं. तो मैं ये नहीं बोल रही कि सबको पास आउट होना चाहिए, यू नो, IIT से ही, सब लोग IIT नहीं कर सकते, हर एक कैलिबर के ऊपर भी डिपेंड करता है. बट हाँ, जो देश चला रहे हैं, जो भी पॉलिटिक्स में हैं, उन सब लोगों को एटलीस्ट ग्रेजुएशन पास आउट तो होना चाहिए. तो ये बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने ये बोला है, कंट्री नीड्स एजुकेटेड किंग. ठीक है, केजरीज डिग एट PM. ठीक है, केजरीज डिग, डिग का मतलब होता है थोड़ा नीचे करना, डिग करना, जैसे हम बोलते हैं ना डिग द वेल, खोदना एक तरह से. ठीक है, तो केजरीवाल ने थोड़ा PM जी को खोदा है कि कंट्री को एजुकेटेड किंग की ज़रूरत है. ठीक है, थोड़ा सा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है केजरीवाल जी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको, यू नो, और सोर्सेज से भी ये पता चला है कि जो BJP ने CBI के थ्रू ये सब उनको समन दिए हैं, ये सब दिया है. हालांकि सच झूठ हम देखेंगे, बट हाँ, वो परेशान ज़रूर हो रहे हैं. ठीक है, आगे हम न्यूज़ पढ़ते हैं. इन एन अपेरेंट अटैक ऑन PM नरेंद्र मोदी, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे सेड इंडिया वॉज बींग रन बाय Class 4 पास किंग हु वॉज एरोगेंट एंड करप्ट एंड स्ट्रेस दैट कंट्री नीडिड एन एजुकेटेड किंग. सो उनका कहना है, केजरीवाल जी का कहना है, ठीक है, जो कंट्री जो है, बेसिकली वो PM मोदी की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि कंट्री जो है वो रन हो रही है Class 4 पास आउट. Class 4 पास आउट मतलब वो उन्हें बोल रहे हैं कि वो Class 4 पास आउट हैं और उनके वो कंट्री चला रहे हैं, जबकि एक कंट्री को, इंडिया को, एजुकेटेड किंग की ज़रूरत है, मतलब राजा की ज़रूरत है जो कि पढ़ा लिखा हो. ठीक है, एड्रेसिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली, केजरीवाल विदाउट नेमिंग PM मोदी अलिज्ड द इलिटरेट किंग गॉट अ फेट फेक डिग्री. ठीक है, एड्रेसिंग ए स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली. ठीक है, असेंबली का स्पेशल सेशन जो है वो एड्रेस करते हुए केजरीवाल विदाउट नेमिंग PM मोदी, PM मोदी का उन्होंने वैसे नाम नहीं लिया. ठीक है, एलिज्ड दैट, एलिज्ड फिर से एलिज्ड वर्ड आ गया. ठीक है, द इलिटरेट किंग गॉट अ फेक डिग्री. इलिटरेट किंग, इलिटरेट का मतलब होता है ना पढ़ा लिखा होना, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना. ठीक है, मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे आपको ये वर्ड. गॉट अ फेक डिग्री, फेक मतलब झूठी डिग्री उनको मिल गई है. एंड फाइन दोज हु रेज क्वेश्चन एंड ही इज फाइनिंग दोज. फाइन होता है ना, फाइन, कुछ आप गलत काम करो तो आपको फाइन भरना पड़ता है. स्कूल में भी जैसे स्कूल यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहन के आए तो फाइन भरना पड़ता है. तो वो यही बोल रहा है कि एंड फाइन दोज हु रेज क्वेश्चन, मतलब उनको हर जाना एक तरह से उनको भुगतना पड़ रहा है जो क्वेश्चन उठा रहे हैं. ठीक है, उसके ऊपर ही क्लेम्ड ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब ऑन द अपोजिट, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट. ठीक है, देर वॉज एन एजुकेटेड CM हु हैड बीन
taking decisions in favor of the people of his state. He claimed on the contrary that there was. उन्होंने बोला है कि इसके अपोजिट यू नो कि क्लास फोर पास आउट हैं वो इलिटरेट हैं उसके अपोजिट ठीक है वो बोलना चाह रहे हैं कि देयर वॉज एन एजुकेटेड सीएम ठीक है एक एजुकेटेड सीएम था ठीक है हु हैड बीन टेकिंग डिसीजंस जो डिसीजन ले रहा था ठीक है इन फेवर ऑफ ये पास्ट में थोड़ा बताया गया है इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री ठीक है इन फेवर ऑफ मतलब हक में ठीक है उसके सपोर्ट में ठीक है In the people need people of the country. ठीक है people need to make sure that their king is well educated. People need to make sure that लोगों को भारत की जनता से ये refer कर रहे हैं obviously because he's a CM of Delhi. तो भारत की जनता से वो refer कर रहे हैं कि people need to make sure that लोगों को ये surety देनी होगी मतलब ये आश्वासन दिलाना होगा कि देयर किंग इज वेल एजुकेटेड उनका जो किंग है उनका जो राजा हो वो बहुत ही एजुकेटेड हो इफ द किंगडम इज सफरिंग ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इट इज बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंट रूलर्स हु गेव ऑल द रिसोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ अ चूजन फ्यू देखो इफ द किंगडम इज सफरिंग ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर जो किंगडम है या राज्य है वो सफर कर रहा है वो जूझ रहा है मंदी से और बेरोजगारी से इट इज बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंट रूलर्स इनकम्पिटेंट का मतलब होता है विच आर लैकिंग द नेसेसरी स्किल्स जो भी ज़रूरत है यू नो कोई भी जॉब को करने के लिए जो भी स्किल्स की ज़रूरत है वो उनकी उन रूलर्स में कमी है ठीक है इनकम्पिटेंट रूलर्स रूलर्स मतलब जो रूल कर रहे हैं जो देश चला रहे हैं जो राज्य कर रहे हैं ठीक है इट इज़ बिकॉज ऑफ द इनकम्पिटेंट रूलर ये उन राज्य चलाने वालों की वजह से है जो कि नेसेसरी जो स्किल्स है जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो ज़रूरी यू नो उनके पास टैलेंट होना चाहिए वो ये लैक कर रहे हैं हु गेव ऑल द रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ अ चूजन फ्यू जो जिन्होंने सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं इन द हैंड्स ऑफ अ चूजन फ्यू ठीक है जिन्होंने सारे जो रिसोर्सेज मतलब जो भी इंडिया में रिसोर्सेज हैं जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रेलवे स्टेशन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंडिया में हैं वो रिसोर्सेज हैं यू नो भारत देश के तो वो जो रिसोर्सेज हैं इन द हैंड्स ऑफ अ चूजन फ्यू थोड़े से लोग हैं यू नो जिनको उन्होंने ये सब चलाने के लिए दे दिया है देश चलाने के लिए दे दिया है सारे रिसोर्सेज चलाने के लिए दे दिए हैं लेकिन और वो केजरीवाल जी ये कहना चाह रहे हैं और वो जो नेसेसरी स्किल्स हैं उनके पास वो ये सब लैक कर रहे हैं उनके पास ये सब स्किल्स नहीं है ठीक है तो ये बोलना चाह रहे हैं ठीक है अब हम बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ थोड़ी सी हम दूसरी न्यूज़ भी देख लेते हैं ठीक है थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं दूसरी न्यूज़ का ठीक है क्या है टू एक्स जजेस फॉर्मर डीजीपी ऑन प्रोब पैनल ठीक है टू एक्स जजेस मतलब जो पहले जजेस रह चुके हैं फॉर्मर डीजीपी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस ऑन प्रोब पैनल ठीक है फॉर्मर डीजीपी मतलब जो पहले रह चुका है जहाँ फॉर्मर का यूज हो गया मतलब वो पहले रह चुका है ऑन प्रोब पैनल पैनल होती है यू नो एक कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन अगर करनी हो चाहे वो मर्डर मिस्ट्री हो चाहे वो कुछ भी हो तो प्रोब पैनल होता है यू नो पैनल वर्ड बहुत बार यूज होगा पैनल का मतलब होता है बेंच एक तरह से यू नो द ग्रुप ऑफ पीपल विच आर ऑन द पैनल ठीक है ऑन प्रोब पैनल मतलब इन्वेस्टिगेशन पैनल पे अटीक किलिंग शूटर्स वांटेड नेम इन क्राइम एफआईआर तो एफआईआर कोलन में लिखा है मतलब एफआईआर ये बता रही है ठीक है इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला होगा कि शूटर्स जिन्होंने भी शूट किया था वो वांटेड नेम इन क्राइम वो फेमस होना चाहते थे वांटेड नेम मतलब नाम चाहते थे कि हमारा भी नाम हो ठीक है क्राइम में ठीक है अटीक किलिंग हम देखेंगे बेसिकली क्या है अटीक अहमद को और उनके ब्रदर को जो कि गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन थे उनका बेसिकली मर्डर हो गया है तो उसी के बारे में ये पर्टिकुलर न्यूज़ है तो आइए देखते हैं थोड़ी सी न्यूज़ क्या है देखते हैं क्या कहानी है इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हमें पता चल गया जिनको नहीं पता था ठीक है जो कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ ठीक है ऑन संडे इश्यूड अ नोटिफिकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ अ 3-member जुडिशियल कमीशन दैट विल प्रोब द मर्डर्स ऑफ गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन अटीक अहमद एंड हिज ब्रदर ठीक है
तो यूपी सीएम योगी जी ने संडे को एक इशू नोटिफिकेशन इशू किया है फॉर सेटिंग अप ऑफ 3-member जुडिशियल कमीशन. 3-member जुडिशियल कमीशन सेटअप किया है. जुडिशियल कमीशन में हमने अभी भी देखा है 2 ex-judges होंगे और फॉर्मर DGP होंगे, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट द मर्डर्स. इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसको? मर्डरर्स को ऑफ द गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन. तो ये जो पॉलिटिशियंस हम बता रहे हैं जिनकी छानबीन होनी है, जिनका मर्डर कैसे हुआ, ठीक है, जिनके लिए पैनल बनाया गया है, तो वो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन है, ठीक है. वो पहले गैंगस्टर थे और पॉलिटिशियन बन गए थे, अतीक अहमद और उनका भाई, ठीक है. सेटअप अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट. सेटअप अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है. तो ये सेटअप अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, अंडर द इंक्वायरी एक्ट के तहत इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी. द पैनल विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अरविंद कुमार त्रिपाठी, ठीक है. रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है उनको, जो कि पैनल है उसको हेड करेंगे, ठीक है. ऊपर हेडिंग में लिखा है ना 2 ex-judges. एक्स मतलब जो पहले अब पहले थे, अब जज नहीं रहे मतलब कि दे आर रिटायर्ड, ठीक है. तो क्या है, हाँ, अरविंद कुमार त्रिपाठी जी एंड कंप्राइज रिटायर्ड DGP. रिटायर्ड जो DGP की बात हो रही है वो है सुबेश कुमार सिंह एंड रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ब्रजेश कुमार सोनी. तो ये 3-member प्रो पैनल उन्होंने बनाया है. द कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months. कमीशन जो है, ये जो कमीशन उन्होंने बनाया है, विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months. सो 2 महीने के अंदर ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, उनकी वो सबमिट करेगी, ठीक है. 2 महीने के अंदर सबमिट हो जाएगी. तो मुझे तो लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही बेनिफिट वाली बात लग रही है. हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स पता चल रहे हैं, वर्ड्स का यूसेज पता चल रहा है अलग अलग तरीके से. जैसे ग्रिलिंग वर्ड हमने शायद नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है, यू नो, 9 hours ग्रिलिंग, ठीक है. तो ये सब हमें नॉलेज गेन हो पा रही है. हमें आज ये भी पता चला कि यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं. तो इसीलिए हम रोज़ 10 o'clock न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे और वीडियो आपको टाइम पे मिलेगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट एवरीवन कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स. स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड.